उदाहरण चार, नीचे दी गई तालिका के आंकड़ों की मदद से छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई सेंटीमीटर में, छात्रों की संख्या हमें दी गई है। हल, हमें पता है कि माध्य अंक गणितीय औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है 158, 159, 160, 161, 162 और अंत में 163। 158 में छात्रों की संख्या जो FI है वह 7 है, 158 में 7 है, 159 में 10 है, 160 में 13 है, 161 में 8 है, उसी तरह से 162 में 4 है और अंत में 163 में 5 है। अब हम ऊंचाई जिसे हम XI में बोले हैं, ऊंचाई सेंटीमीटर में XI में है और छात्रों की संख्या FI में है। अब हम FI को XI से गुणा करेंगे, 158 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 1006, उसी तरह से 159 को 10 से गुणा करेंगे तो 1590, 160 को 13 से गुणा करेंगे तो 2080, 161 को 8 से गुणा करेंगे तो 1288, 162 को 4 से गुणा करेंगे तो 648 और अंत में 163 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 815। अब हमें छात्रों की संख्या जो FI है उसका योग करेंगे, तो उसका योग के लिए हम सिग्मा FI लिखेंगे। इसका योग जो है 47 है सिग्मा। उसी प्रकार FI XI का योग जो है सिग्मा FI XI जो है इसका योग जो है 7527 हमें प्राप्त होता है। अतः अंक गणितीय औसत बराबर सिग्मा FI XI जो है वो हमारा है 7527 बटा सिग्मा FI जो है भाग करेंगे बटा 47। और जब 7527 को 47 से भाग करेंगे तो 160.15 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। यानी छात्रों की औसतन ऊंचाई 160.15 सेंटीमीटर है। तो यह इस उदाहरण का हल होगा। हमने छात्रों की औसतन ऊंचाई 160.15 सेंटीमीटर ज्ञात की। यह इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें। पहला, पहली 15 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दूसरा, मार्च अप्रैल 2010 के दौरान भुवनेश्वर उड़ीसा में पेट्रोल के दाम रुपए में नीचे दिए गए हैं, इनका औसत ज्ञात कीजिए। 61.28, 62.08, 59.35, 56.28, 59.28। तीसरा, एक राज्य में 8 वर्षों में हुए चावल उत्पादन 1,00,000 टन।
के आंकड़े निम्नलिखित हैं, इन आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। 84.98, 93.34, 71.82, 88.53, 83.13, 91.79, 93.6, 96.69।